अगर आप दिल्ली एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स पे करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आपको एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स कैसे पे किया जाता है इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप अपने लैपटॉप या पीसी में भी इसको आसानी से पे कर सकते हैं। एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स कैसे पे किया जाता है, चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अपने मोबाइल या पीसी के ब्राउजर में जाना है, यहाँ आपको टाइप कर देना है MCD। जैसे आप टाइप करोगे उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए आपके सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही होगी MCDonline.nic.in। सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको देखिए यहाँ जाना होगा ऑनलाइन सर्विस। जैसे आप ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, जोन, वार्ड, कॉलोनी। अगर आपको पता है आपकी एमसीडी कौन से जोन में आती है तो सीधा आप जोन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जोन सिलेक्ट करोगे आपकी एमसीडी कौन से जोन में आती है तो वो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि उसमें काफी बड़ा एरिया आता है। जोन की एमसीडी नहीं पता है तो आप वार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कॉलोनी से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ जोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जोन में देखिए कौन से भी आपकी जोन लगती है वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे सादा नॉर्थ जोन सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सर्च कर लेना है। सर्च के बाद देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे होंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पे प्रॉपर्टी टैक्स, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए जो आपने प्रॉपर्टी टैक्स में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आपकी यूपीक आईडी शो हो जाएगी, प्रॉपर्टी टाइप यहाँ शो हो जाएगा, ओनर टाइप यहाँ पे भी शो हो जाएगा, ओनर नेम यहाँ शो हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस भी शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्शन बटन, तो देखिए एक्शन बटन में जैसे आप क्लिक करोगे प्रॉपर्टी की ओनर डिटेल भी यहाँ चेक कर सकते हैं। एडिट प्रॉपर्टी ओनर डिटेल, यहाँ पे आप ओनर डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा पे टैक्स, तो उस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आ रहा होगा देखिए ऑप्शन सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर टू पे टैक्स, तो देखिए आपने जो भी प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रखे है वो यहाँ आपके शो हो जाएंगे। तो मुझे 2024-25 का प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है तो यहाँ पे मैं 24-25 सिलेक्ट कर लूंगा। ये जैसे मैंने 24-25 सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपको देखिए यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना। प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, यस आई वॉन्ट एडिट बिफोर पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे, तो देखिए क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे देखिए आ रहा है कॉलोनी। अगर आपके आपकी कॉलोनी नहीं आती इस एरिया में तो आपको यहाँ देखिए सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलोनियों की लिस्ट आ जाएगी। आप देखिए डायरेक्टली सर्च करके अपनी जो कॉलोनी आपकी जो कॉलोनी लगती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका मकान नंबर, गली नंबर, स्ट्रीट नंबर सब शो हो जाएगा। आप चाहे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ आ रहा होगा लैंड एरिया डिटेल, आपका स्क्वायर मीटर यहाँ शो हो जाएगा। आप यहाँ चेक कर लीजिए आपका स्क्वायर मीटर सही है, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपके यहाँ आ जाएगा टैक्स फैक्टर फॉर सेक्शन फ्लोर, तो देखिए आपके मकान में कितने फ्लोर है चेक कर लेना है। अगर आपके में फ्लोर ऐड नहीं है तो देखिए अगर आपको सेकंड फर्स्ट की जगह सेकंड फ्लोर भी ऐड करना है तो सिलेक्ट फ्लोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर सब आ जाएगा। आप अपने हिसाब से फ्लोर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ्लोर सिलेक्ट करने के बाद देखिए सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल करी हुई आ जाएगी। यहाँ पे आप चाहे तो अपना एज फैक्टर, कब आपने फ्लोर बनवाया था वो यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक कर लेना है, आपका ये सारे फ्लोर ऐड हो जाएंगे। फिलहाल मुझे कोई फ्लोर ऐड नहीं करना है, जैसी डिटेल है मुझे वही सेम रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट, तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको कंपलसरी नहीं है, आप अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हो, या सेल डीड या फिर आप प्रॉपर्टी फोटो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपके देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फाइल एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप फाइल एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे देखिए उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के बटन में जैसे आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ आ रहा होगा सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर टू पे टैक्स, तो देखिए यहाँ पे आ रहा होगा 24-25, तो यही आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे
क्लिक करोगे आपके सामने सारी डिटेल्स हो जाएगी। आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे जैसे आप देखिए स्क्रॉल करोगे यहाँ पे देखिए सारे कैलकुलेट हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी में। आप अपने हिसाब से देख लिए आपका ये कैलकुलेटर सही है। उसके बाद देखिए ये लास्ट में दिख रहा होगा ये आपको नेट टैक्स पेबल, तो जितना आपका टोटल टैक्स है तो देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे इसे HDFC बैंक, पेटीएम या एक्सिस बैंक वाले पेमेंट गेटवे से कर सकते हो। तो ज्यादातर लोग पेटीएम पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, तो मैं भी पेटीएम पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको पे बटन पे क्लिक कर लेना है। पे नाउ के जैसे बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे पे विच पेटीएम के ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको पे विच पेटीएम के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आपकी पेमेंट हो जाएगी और यहाँ देखिए आपके सामने QR कोड नजर आ जाएगा। आप सिंपल इस QR कोड को स्कैन करके पेटीएम के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, देखिए जैसे मैंने इसको स्कैन करके पे कर दिया है, देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेस योर पेमेंट के ऑप्शन पे चला जाएगा। उसके बाद देखिए हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद देखिए कुछ ही सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये बैक हो जाएगा। बैक होने के बाद देखिए आपकी प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो देखिए सिंपल यहाँ पे देखिए आ रहा होगा डाउनलोड रिसीप्ट, तो यहीं पे आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे आप क्लिक करोगे देखिए आप सीटी की प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीप्ट जनरेट हो चुकी है। देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा होगा आपको डाउनलोड एंड प्रिंट, आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। इस तरह आप MCT प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।